सभी लोग पसीने से भीग गए हैं। सुलेखा को एक्टिंग करना सिखा रही है भाभी जी। आपको पता है ये क्या है? पता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम दोनों से मिलने के लिए भैया भाभी आए हैं और काफ़ी दूर से आए हुए हैं। तो वो कौन है आप लोगों को मिलवाएंगे, कहां से आए हैं उनसे ही पूछवाएंगे आप लोगों को। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कौन आए हैं। तो दोस्तों, ये रही भाभी और वो रहे भैया जी, उधर साइड पर हो रहे हैं। तो हम दोनों से मिलने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं दोस्तों। और भाई भी वीडियो बनाती है, अच्छी एक्टिंग करती है, आप लोग इनकी वीडियो देखना। इनका चैनल है वो नीचे हम मेंशन कर देंगे, टैग कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली पहुँच जाएंगे और वहाँ से देख लेंगे आप लोग एक्टिंग कैसी करती हैं। आप लोग देखोगे एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट करना। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करना। तो आप एक बार प्लीज़ आप अपना नाम बता दें और कहाँ से आए हैं आप बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम शिल्पा है, शिल्पा सिंह, और मैं मथुरा से आई हूं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि ज़्यादा से अच्छी वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो कोई और भी आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। जैसे आप लोगों ने हम दोनों को सपोर्ट किया, उसी तरह आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। हमारी सुलेखा ने बोला आपका पक्का सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। अब जैसे अब हम अपने खेतों पर भी जाएंगे हरियाली वगैरह देखने के लिए, तो वहाँ पर भी आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाएंगे और इनके साथ में। तो हम आ चुके हैं अपने खेतों पर दोस्तों, ये लोग हरा भरा देखने के लिए आए, बोले कि अपने खेतों पर ले चलो। तो हम खेतों पर आ चुके हैं अपने, और उसको देखने के लिए वो रहा झोपड़ी, झोपड़ी को देखने के लिए देखो सभी लोग आ गए हैं। भाभी का बच्चे बहुत हो रहे हैं। तो लेखा मकाम खादी डाल दी, फिर नहीं बड़ी भाई। तो दोस्तों, एक बार हमने बोल दिया था कि ये हार है, तो भैया को बड़ा हंसी आई, हार है ये हार, हमने कहा हमारे गांव में हार ही बोलते हैं इसको। देखो फूल ये सब हमारे हाथों के लगाए हुए हैं, ये सब हमने बहुत सारी वीडियो अपनी यहीं बनाई है इसी जगह। हाँ, बहुत सी याद। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर हमारे खेतों पर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हैं इसको? हार, हमारे हार, हार। बहुत अच्छा लग रहा है। खेत पर हार, कैसे ये हार सच में हार है क्योंकि सोने का है। भैया आपको हमारे हार में अच्छा लग रहा है? सोने का हार, सोने का हार। हाँ ये सोने का ही मान लो, ये खेत पे ले आए। और ये है हमारी झोपड़ी, ये सुलेखा के लिए मैंने कुटिया बनाई थी, घर नहीं है तो कुटिया हमारी है। देखो इधर अच्छा लग रहा है एकदम। हाँ मौसम भी खूबसूरत है, धूप भी नहीं निकली है और बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है। सुलेखा को एक्टिंग करना सिखा रही है भाभी जी। सुलेखा कोचिंग लगवा लो इनसे, आप 10 दिन के अंदर सीख जाओगी डांस एक्टिंग। हाँ हाँ दोस्तों, इन्होंने कोर्स किया हुआ है एक्टिंग का। एकदम ब्यूटीफुल। सुलेखा शर्मा गई है, कर नहीं पा रही सुलेखा। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है आज। सदी ने कर दिया, मैंने पता है सदा के वादी को शर्म मार ले।
चलो देख, कोशिश करोगे आप भी सीख जाओगे, ठीक है। काफी ज्यादा दोस्तों खूबसूरत लग रहा है यहाँ। सब्जियां बेचने लगी भाभी। हाँ ये तो है। आपको पता है ये क्या है? पता है, लेकिन डार्क मिलती है थोड़ा मार्केट में ना, ऐसे डार्क कलर। हाँ, इसीलिए। और यहाँ पर जो सीधे सीधे ताजे मिलते हैं बिल्कुल, कोई जैसे नहीं धरे धरे ऐसे कुछ नहीं है। इसकी बनाई थी सुलेखा ने सब्जी बनाई थी, वीडियो भी बनाया था, बहुत अच्छी लगती है इसकी, फूल की अच्छी लगती है इसकी। हाँ डांस में आप टैलेंटेड हो, अंदर इसमें तो देखो कोयल बोल रही है, आवाज आ रही है। एक बार कू कू करके रह जाओ तो ये घिसे आजाद करे। हाँ अगर इधर से करो वो तो उधर से वो, हाँ वो सोच रही है हमारी, वो कर रही है सेम कॉपी कर रही है। एक वीडियो वैसे बना इसी पे बना ले, हमने फनी लग बना ले। अमरूद पक गए हैं, आप लोग भी सभी लोग आ जाना, देखो अमरूद टूटे तोड़े जा रहे हैं सले का, देख रही है इन दिनों का अमरूद खराब ज्यादा निकल जा। आप लोग देख के खाइयो, लेकिन फिर भी खतरनाक लग रहा है ये, नीचे से देखो इसको गड़बड़ है कहीं। हाँ लेकिन जब इस जो सर्दियों वाले मौसम वाली अच्छी आती है, इस पे जो सर्दी मौसम वाली आती है वो ज़्यादा अच्छी आती है इस पर। अभी तो ये चौमास वाली है। गर्मी दोस्तों ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो सभी लोग पसीने से भीग गए हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन? बताएं अब हम तुम लोग सब धूपम बने रहा था, अब भाभी भी तो ऐसी बनी रहती था, वजह से ज़्यादा होने थोड़ी गर्मी। सुलेखा नायक यहाँ मधुमक्खी को, मधुमक्खी क्या बोलते हैं, छेड़ दो मधुमक्खी को, तो सब पीछे मधुमक्खी पड़ गई। हाँ ये खैर मानो किसी को काटा नहीं मधुमक्खी ने, नहीं वो काटती नहीं, मैंने पाल रखी है। पाल रखी है तो फिर वहाँ से भागी क्यों? अगर पाल रखी है तो दोस्तों भैया भाभी दोनों लोग अब जा रहे हैं अपने घर, काफ़ी यहाँ गर्मी हो रही है और भाभी जी की थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है, इसलिए हेलो भैया को देखो हमारे फैंस खड़े हुए हैं। तो सुलेखा भाभी तो जा रही है घर अपने, हम तो नहीं सोच रहे जाएं, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें भाभी जी आर्टिस्ट भी हैं, तो आप बता दीजिए आप क्या क्या काम कर लेती हैं, आप बता दें। आर्टिस्ट, मेहंदी और मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ और एक्टिंग आपके मेरी एक्टिंग की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर अच्छा अपने चैनल का नाम बोल दीजिए ना, शिल्पा सिंह यूपी। हाँ तो दोस्तों इनका ये चैनल है और नीचे भी इनका चैनल हम मेंशन कर देंगे चैनल, तो आप लोग जाके इनका देख लेना चैनल, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।